गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर समर वेकेशंस। सो योर हॉलीडेज होमवर्क इज दिस। आई हैव डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रीडिंग पार्ट, सेकंड वन इज लर्निंग पार्ट, थर्ड वन इज राइटिंग पार्ट एंड फोर्थ वन इज एक्टिविटी। इन रीडिंग पार्ट यू हैव टू रीड चैप्टर 1 and 3। फर्स्ट चैप्टर इज द टेल ऑफ बेंजामिन बनी एंड चैप्टर 3 इज द स्टोरी ऑफ फोर सीजन। बच्चा ये 2 चैप्टर्स हमने क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं, अब आपको इनकी अच्छे से रीडिंग करनी है। ओके, सेकेंड इज लर्निंग। लर्निंग पार्ट में आपको चैप्टर 1 अच्छे से लर्न करना है। थर्ड वन इज राइटिंग। राइटिंग पार्ट में बच्चा आपको क्या करना है, राइट द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ फोर सीजन्स इन योर ऑन वर्ड ऑन A4 साइज शीट। बेटा आपको A4 साइज शीट के ऊपर जो स्टोरी ऑफ फोर सीजन्स है उसकी शॉर्ट स्टोरी राइट करनी है, मतलब मेन लाइन्स उसमें से राइट करनी है जो आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, शॉर्ट स्टोरी राइट करनी है A4 साइज शीट पे। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी। एक्टिविटी में बेटा आपकी 2 टाइप्स की एक्टिविटी है। फर्स्ट वन इज ऑडियो एक्टिविटी एंड सेकेंड इज डू प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट फॉर्म। सो फर्स्ट ऑडियो एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है बच्चा, डू कन्वर्सेशन बिटवीन पीटर एंड लिटिल बेंजामिन। लिटिल बेंजामिन एंड पीटर जो हमने द टेल ऑफ बेंजामिन बनी चैप्टर में करेक्टर्स रीड कर रहे हैं, आपको उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन करनी है। ओके, और वो ऑडियो बेटा आपकी मैक्सिमम 2 मिनट्स तक होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट्स की, 2 मिनट से ऊपर मत बनाना। ओके, नेक्स्ट वन इज डू एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 56। तो बच्चा आपकी बुक में पेज नंबर 56 है, देखो ये वाली पेज नंबर 56 पे एक्टिविटी है आपकी, ये आपको प्रिपेयर करके आनी है, बना के लानी है। फर्स्ट पॉइंट इज टेक अ पीस ऑफ पेपर, ड्रॉ एंड कट आउट एनी शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल और एनी अदर ऑन इट। आपको एक पेज देना है पेपर का, उसमें कोई भी शेप आप कट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो और उसको कट करना है। सेकेंड पॉइंट इज ड्रॉ अ फेस ऑन द शेप। अब आप जो भी आपने शेप कट करी है उसके ऊपर आपको फेस ड्रॉ करना है। गिव इट आईज, उसके ऊपर आईज ड्रॉ करनी है, आईज, नोज एंड माउथ, ये चीजें आपको बनानी है। आप पेस्टिंग भी कर सकते हो। ओके, यू कैन ऑल्सो डेकोरेट इट इफ यू वॉन्ट टू, अगर आप चाहो तो उसको डेकोरेट भी कर सकते हो। पेस्ट अ स्टिक टू द बैक ऑफ योर पपेट। अब जो आपने फेस ड्रॉ किया उसके बैक पे आपको एक स्टिक लगानी है। सिट बिहाइंड अ टेबल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर समर वेकेशंस। स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू अबाउट योर इंग्लिश ग्रामर वर्क। स्टूडेंट्स, आई हैव डिवाइडेड योर वर्क इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रीडिंग सेक्शन, सेकंड वन इज राइटिंग सेक्शन, थर्ड वन इज लर्निंग सेक्शन एंड फोर्थ वन इज एक्टिविटीज। इन रीडिंग सेक्शन यू हैव टू रीड 5 स्टोरीज। ओके, फ्रॉम एनी स्टोरी बुक आपको 5 स्टोरीज रीड करनी है, किसी भी स्टोरी बुक से, अपनी फेवरेट स्टोरी बुक से आपको 5 स्टोरीज रीड करनी है और उनके नेम लिखने हैं आपने अपनी इंग्लिश की ग्रामर नोटबुक पे। नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या है बच्चे, आपने राइट कम्युनिटी हेल्पर्स एनी 15। बच्चे आपके चैप्टर 4 में कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, वो आपने 15 के नेम अपने नोटबुक पे लिखने हैं। नेक्स्ट है पिक्चर कॉम्पोजिशन, पेज नंबर 16। ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन बुक है, उसमें से पिक्चर कॉम्पोजिशन का पेज है, उसमें से आपको पिक्चर में से पिक्चर को देख के उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 1। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट्स। ओके, दिस इज द वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 2, टिक द करेक्ट स्पेलिंग्स। यू हैव टू टिक विच स्पेलिंग इज करेक्ट फ्रॉम दीज स्पेलिंग्स, यू हैव टू टिक वन ऑफ देम। नेक्स्ट इज वर्कशीट नंबर 3। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीअरेंज द वर्ड्स। ओके, एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, दीज आर द सेंटेंसेस गिवन। नेक्स्ट वन इज लर्निंग सेक्शन। यू हैव टू लर्न सिंगुलर प्लूरल। ओके,
It's given in your English grammar book on page number 33 and 34. Students, this topic you have done in second class also. Okay, next is activities. Paste a picture of your father and write a paragraph about him on A4 size sheet. Students, आपको आपके पापा की फोटो पेस्ट करनी है एक A4 साइज शीट के ऊपर और आपके पापा के बारे में आपको एक पैराग्राफ राइट करना है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटीज, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स फ्रॉम एनी ओल्ड बुक्स और मैगजीन्स, एनी न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट ऑन अ चार्ट पेपर. स्टूडेंट्स, यू हैव टू कलेक्ट पिक्चर्स. ओके, किसी भी पर्सन की, प्लेस, एनिमल और थिंग की आप अपने घर पे ओल्ड न्यूज़पेपर में से कट कर सकते हो, ओल्ड बुक्स में से, मैगजीन्स में से, और इसको एक चार्ट पेपर के ऊपर पेस्ट करना है. ओके, और ये जो आप एक्टिविटीज़ करोगे या वर्कशीट करोगे, एक्टिविटीज़ आप करोगे एक चार्ट पेपर के ऊपर एंड वर्कशीट्स आप करोगे एक हॉलीडे होमवर्क के लिए नोटबुक के ऊपर. ओके, टेक अ न्यू नोटबुक फॉर हॉलीडे होमवर्क, स्मॉल वन. थैंक यू, हैव अ नाइस हॉलीडेज. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हॉलीडेज होमवर्क ऑफ स्पोकन इंग्लिश विद ऑल ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज डू प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोडक्शन. लाइकवाइज यू हैव टू स्पीक योर नेम, प्लेस, एज, क्लास, स्कूल नेम, मदर फादर नेम एंड योर मदर फादर ऑक्यूपेशन एंड योर लाइक्स ऑल्सो. ओके, इन दिस वे यू हैव टू स्पीक अबाउट योर इंट्रोडक्शन. द सेकेंड वन इज स्पीक लाइन्स विद द हेल्प ऑफ मैजिक वर्ड्स. सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, मे आई. सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस एंड स्पीक लाइन्स विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. द थर्ड वन इज डू ग्रीटिंग्स प्रैक्टिस विद योर सिबलिंग्स. ग्रीटिंग्स मीन्स टू विश समवन. Hello, how are you? I'm fine. What about you? In the morning, you can say good morning. After that, in evening, you can say good evening, good afternoon, in the afternoon. Okay? So, you have to do practice of greetings like this. Fourth one is, I have given you an activity. There are some topics of show and tell activity. Your favorite fruit, lunchbox, water bottle, school bag, AC, cloak, almirah. So you have to prepare at least 8 to 10 lines about these topics. The next one is speak 10 lines about your mother and father. The sixth one is make a video of speaking daily routine with actions and send to your class in charge. In this you have to make a video with actions of speaking daily routine and you have to send it to your class in charge. First of all, you have to revise both the chapters properly. Chapter 1, 4-digit number. Chapter 2, addition. Then, you have to learn and write tables 2 to 17 in your holidays homework notebook. You have to write 2 times. Then, you have to write Roman numbers 1 to 50 in your holidays homework notebook. There are 2 activities. First is, you have to make a clock by using Roman numbers. Next, you have to make a model of abacus. You have to show ones, tens, hundred and thousand. Your both activity should be creative. Good morning all of you. It's time for summer vacation. This is Hindi holiday homework. अपने मनपसंद पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए. हमने हिंदी में चैप्टर रीड किया है टैगोर की कलम. इसमें पक्षियों का वर्णन किया गया है. इसमें से कोई भी पक्षी का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरना है और उसकी विशेषता लिखनी है. नंबर 2, किन्हीं 5 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र चिपकाकर उनके नाम भरिए. चैप्टर 1 में हमने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में रीड किया है. तो आप किसी भी 5 स्वतंत्रता सेनानी के चित्र चिपकाने हैं और आपने उनके नाम राइट करने हैं एवो शीट पर. अपनी पसंद के अनुसार पार्ट 1, 2, 3 में 10-10 कठिन शब्द एवो शीट पर लिखिए. आपने चैप्टर 1, 2 और 3
रीड करने हैं। इसमें जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं, कठिन शब्द लगते हैं हर एक चैप्टर में से आपने 10 कठिन शब्द A4 शीट पर राइट करने हैं। नंबर 4, महात्मा गांधी व सरदार भगत सिंह के जीवन के संबंधित 6-7 वाक्य A4 शीट पर लिखिए। ये महात्मा गांधी जी हैं, सरदार भगत सिंह जी, इन दोनों में से किसी एक पर आपने 6-7 लाइनें लिखनी हैं और रीड चैप्टर 1, 2, 3 और 4। आपने गुलमोहर बुक में से ये चैप्टर रीड करने हैं और इसकी वीडियो बनाकर अपने क्लास इंचार्ज के नंबर पर सेंड करनी है। पार्ट 1, 2, 3 याद करो। आपको जितना भी बुक वर्क और नोटबुक वर्क राइट करवाया हुआ है चैप्टर 1 में 2 में और 3 में गुलमोहर बुक में, तो आपने इसको लर्न करना है। जितना भी आपको राइट करवाया है हिंदी व्याकरण पार्ट 5 और 6, आपको 1, 5 और 6 हिंदी व्याकरण में लर्न करना है। अनुच्छेद मेरा प्रिय मित्र अच्छे से लर्न करना है। कहानी चालाक लोमड़ी पेज नंबर 81, अलंकृत बुक है ना आपकी, इसमें पेज नंबर 81 पर चालाक लोमड़ी कहानी है, ये अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करनी है और इसको लर्न करना है। ओके, बाय बाय टू ऑल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू योर रीजनिंग पैटर्न एक्टिविटी। यू कैन मेक पैटर्न्स लाइक दिस ऑन A4 साइज वाइट कलर शीट विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन्स और डिफरेंट कलर्स, स्लेंटिंग लाइन्स, कर्वी लाइन्स, एंड यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन पैटर्न्स इन योर इन एनी क्रिएटिव वे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू डू द पैटर्न्स आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन, but you can do this also like this, curvy and slanting lines, different colors, sketch pen you can also use like this, you can decorate your patterns like this way also. Students, apart from this, you can also use vegetables and watercolors and also and make impression and do your own pattern like this. You can make different types of patterns like I'm showing you, like this. Yes bachcho, apart from this activity, you have to revise your first 2 chapters of reasoning in your holidays homework. Okay, my dear students, you can also use matchsticks and make your patterns or different colors like I am showing you. Okay, students, bye. Enjoy your holidays. Class 3, your holidays homework is here. Okay, this is the learning part, chapter 1 and 2. जिसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं और राइट करके प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी पार्ट, डू पेज नंबर 97, 98, 99 इन द बुक। बुक में आपने 97, 98 और 99 बुक में पेज नंबर, उसे आपने सॉल्व करना है। वो ज़्यादातर गेमिंग पार्ट है, उसमें गेम्स का है या फिर कलरिंग पार्ट है, उसको आपको कर सकते हो उसको। एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पार्ट है जिसमें आपने माइंड लगा के उसको सॉल्व करना है पेज को। नेक्स्ट इज पेज पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर्स ऑन A4 स्क्रैप शीट क्या होती है, कलरफुल पेपर होता है, उस पेपर पे आपने पिक्चर्स पेस्ट करनी है किसकी, डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर के डिफरेंट काइंड होते हैं, लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स हैं। इन कंप्यूटर्स की पिक्चर्स को आपने कट करके इस A4 पेज नंबर स्क्रैप शीट पे पेस्ट करना है। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क। सो स्टूडेंट, जैसे कि अभी बताया कि आपका आज हम होलीडे होमवर्क डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। बच्चे, आपको ये कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं, ठीक है। इस तरह की आपको 4 वर्कशीट दी गई हैं, तो इन वर्कशीट को क्या करना है आपने, देखिए। अब वर्कशीट पे मैंने दे दिया शिक्षा टॉपिक और इसकी 4 लाइन्स मैंने राइट की हैं, एक पैराग्राफ फॉर्म में मैंने इसे राइट किया है। तो आपने सेम इसे देख कर, बिल्कुल यहाँ देखिए,
वर्कशीट पे आपको स्पेस दिया गया है, बिल्कुल देख देख के सुंदर सुंदर आपने बिल्कुल इसी तरह रीराइट करना है आपने इस पैराग्राफ को यहाँ पे नीचे, ठीक है। बट देखिए जैसे लाइंस के अंदर राइट किया गया है, ये टू लाइंस आपको देखनी है, टू लाइंस को टच करते हुए हमने वर्क किया है, तो बिल्कुल देख देख के आपने इसी फॉर्मेट का यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ को राइट करना है। पैराग्राफ राइट करना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, अपनी राइटिंग को इसी तरह लिखना आपका मोटिव होना चाहिए, इम्प्रूव करना, आपने अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, ओके। इसी तरह नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज पे भी इसी तरह एक पैराग्राफ राइट किया गया और नीचे आपको देख के राइट करना है। अब उससे नेक्स्ट वर्कशीट पे क्या आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों पे आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे देखिए गर्म है, तो गर्म शब्द के ऊपर आपको एक वाक्य बनाना है। क्या आपका कोई भी वाक्य बना देते हैं ऐसे, चाय बहुत गर्म है, कॉफ़ी बहुत गर्म है, दूध, इस तरह से आपको इन सभी शब्दों के ऊपर एक वाक्य बनाना है और लिखना है बिल्कुल सुंदर सुंदर वे में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। नेक्स्ट वर्कशीट में हमने साफ सफाई के ऊपर एक पैराग्राफ दिया है, इसी को आपने सेम एज इट इज़ नीचे राइट करना है यहाँ, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी इंग्लिश वर्कशीट की तरफ। इंग्लिश वर्कशीट में देखिए ऐसे ही इंग्लिश में भी हमने एक पैराग्राफ दिया है, देख देख के आपने नीचे ये देखिए हमने स्पेस भी दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से सेम इसको देखना है और यहाँ आपने राइट करना है बिल्कुल सुंदर सुंदर। बेटा आपने जो है अपने लेटर फॉर्मेट यही रखना है, लेटर फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी है। आपको ये फोर वर्कशीट इसलिए दी जा रही है ताकि आप अपनी लेटर फॉर्मेशन को सही करो। कोई भी लेटर है आप यहाँ से देखो और उसे देखो कि वो यहाँ कैसे राइट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह ये पैराग्राफ है और लास्ट। अब ये देखिए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लिटिल लेजी डॉग। अब इस जो सेंटेंस में ऑलमोस्ट सारे लेटर आए हुए हैं, तो अगर आपको किसी भी लेटर की फॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ से देखो, बट फॉर्मेशन आपने यही रखनी है अपने लेटर्स की। इसके अलावा बेटा आपको जो मैंने आपके अपनी आपकी राइटिंग की नोटबुक्स लगवाई हुई हैं, इंग्लिश की अलग है और हिंदी की अलग है, आपको अपनी उन्हीं राइटिंग नोटबुक्स में 10 पेज इंग्लिश राइटिंग बुक के करने हैं और 10 पेज हिंदी राइटिंग बुक के करने हैं, हिंदी राइटिंग के करने हैं। तो उन 10 पेजेस में आप करोगे क्या, आपकी ये बजवर्ड बुक है, ठीक है। आपकी बजवर्ड बुक में आपका फर्स्ट और थ्री चैप्टर हुआ है, आप फर्स्ट और थ्री चैप्टर को देख देख के अपने उस 10 पेजेस को कवर कीजिए। इन्हीं फर्स्ट और थर्ड लेसन की स्टोरी आप 10 पेजेस में कवर कीजिए देख देख के, ठीक है। मिस्टेक्स नहीं करनी है, स्टोरी को इस तरह से देखो आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, है ना। जिन बच्चों की रीडिंग नहीं है उनकी फर्स्ट और थर्ड लेसन की रीडिंग भी हो जाएगी, साथ साथ आपकी राइटिंग भी हो जाएगी। इसी तरह गुलमोहर में क्या करना है, गुलमोहर में भी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी चैप्टर हुए हैं उनकी स्टोरी आपने अपनी राइटिंग बुक में करनी है, लेकिन 10 पेजेस होने चाहिए राइटिंग के, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई अच्छी स्टोरी वैसे लर्न है, अगर आप वो लिखना चाहते हैं तो आपने वो भी कर सकते हो, बट आपका मोटिव स्टोरी लिखना नहीं है, यहाँ आपका मोटिव है राइटिंग इम्प्रूव करना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी नीट एंड क्लीन में डेली 1 पेज राइटिंग का करना है। 30 मिनट दीजिए अपनी राइटिंग को और आपकी राइटिंग श्योरली इम्प्रूव होगी। ओके बाय, टेक केयर, इन्जॉय योर हॉलीडेज। हेलो स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर समर वेकेशन एंड योर हॉलीडेज होमवर्क ऑफ EVS इज हियर। स्टूडेंट्स, यू आर लर्निंग होमवर्क इज लर्न लेसन 1 and 2। बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क मीन्स यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स, एंड बुक वर्क में फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। देन रीडिंग होमवर्क, स्टूडेंट्स रीड लेसन 1, 2 and 3। वी हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर्स इन द क्लास, हमने एक चैप्टर से क्लास में पहले से रीड किए हुए हैं, सो अगेन यू हैव टू रीड दिस चैप्टर्स 2 or 3 times, ओके। 2-3 times आपको रीड आउट करना है और आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी मार्क करने हैं उसमें, ओके। और जब आप रीडिंग कर रहे हैं, वाइल रीडिंग यू हैव टू मेक अ वीडियो एंड सेंड इट टू द क्लास टीचर, ओके। स्टूडेंट्स देन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर राइट करने हैं इसी वर्कशीट पर, ठीक है। ये आपके चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हमने चैप्टर में ये रीड आउट किए हैं,
सारे क्वेश्चन वर्ड्स और सारे क्वेश्चंस, और ये आपको अंडरस्टैंड करके रीडिंग के बाद देन इनके आपको आंसर देने हैं। क्लियर हो गया बेटा? नेम द ऑर्गन दैट टेल्स द लेग्स टू रन अवे फ्रॉम द डेंजर। ये हमने पहले भी चैप्टर में रीड आउट किया है, तो आपको चैप्टर रीडिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग बेस पर इन क्वेश्चंस के आंसर एक्ट करने हैं, ठीक है? देन फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको इसी वर्कशीट पर ही इन ब्लैंक्स के आंसर राइट करने हैं जो स्पेस गिवन है ना इसमें, ठीक है? ये भी चैप्टर बेस्ड है, आपके चैप्टर के रिलेटेड ही हैं जो हमने चैप्टर पहले से ही रीड आउट कर चुके हैं, ओके? देन नंबर 3 पर है आपका राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ जी, यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स इन स्टेटमेंट्स के लिए आप सबसे पहले स्टेटमेंट रीड आउट कीजिए, देन यू हैव टू राइट डाउन ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको पूरी स्पेलिंग राइट करनी है ट्रू की, टी आर यू ई, और अगर फॉल्स है तो आपको पूरी स्पेलिंग राइट करनी है एफ ए एल एस ई, फॉल्स। क्लियर? इन स्टेटमेंट्स के लिए ये भी चैप्टर लिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द चैप्टर देन आंसर दिस, आपको ये ट्रू फॉल्स करने हैं। आफ्टर दैट है सर्कल द ओन वन। बच्चे इसमें जो आपको दिए हुए हैं फोर वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आईज, ब्रेन, नोज एंड ईयर, ये फोर वर्ड्स हैं। अब इनमें से 3 वर्ड्स तो सेम हैं और फोर्थ जो वर्ड है वो अलग है, ठीक है? आपको उस फोर्थ वर्ड को सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फर्स्ट बता रही हूँ, फर्स्ट में जैसे आईज दिया है, ब्रेन दिया है, नोज एंड ईयर दिया है, ठीक है? अब देखिए ये जो बाकी 3 हैं वो क्या हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज एंड ईयर, जबकि ब्रेन क्या है, इंटरनल ऑर्गन है। तो हम किसको सर्कल करेंगे, ब्रेन को सर्कल करेंगे, ओके? देन नंबर 5 पे है आपका मैच द ऑर्गन्स विद देयर शेप। यहाँ आपको ऑर्गन्स के नेम दिए हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और उनकी शेप्स दूसरी साइड पे दिए हैं, आपको इनकी मैचिंग करनी है। क्लियर? आफ्टर दैट है आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स एंड राइट देयर नेम्स एंड देयर फंक्शंस। यस, इसमें आपको यहाँ पर साइड पर ऑर्गन्स के नेम दिए हैं। इन ऑर्गन्स के नेम आपके चैप्टर वन में भी हैं, ये आपको पिक्चर आपके चैप्टर वन में भी शो हो रही है, आप वहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं आपकी ईवीएस की बुक में। यहाँ आपको नेम राइट करना है, देन इनका फंक्शन भी राइट करना है। क्लियर हो गया? जैसे हमारा स्टमक है, ये फर्स्ट हमारी जो पिक्चर दी गई है दैट इज स्टमक, तो स्टमक का जो है हमारे को फंक्शन राइट करना है यहाँ पर, स्टमक क्या कैसे हेल्प करता है, ठीक है? ब्रेक डाउन द फूड, ओके? सो इस टाइप से आपको इनका फंक्शन भी राइट डाउन करना है। इसके बाद एक्टिविटीज दी गई हैं आपको। फर्स्ट एक्टिविटी है आपको ड्रॉ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑन अ चार्ट पेपर पे, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ड्रॉ करना है। आपकी बुक में भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पिक्चर है वो दी हुई है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। और आपको उनके ऑर्गन्स भी लिखने हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, जैसे हमारा नोज, विंड पाइप, लंग्स, उनके नेम भी आपको राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट है आपको एक कोलाज बनाना है फैमिली मेंबर्स का। कैसे कोलाज बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी पिक्चर पेस्ट करिए, यहाँ पेस्ट करिए, यहाँ पर आपने पिक्चर पेस्ट कर दी अपनी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपनी पिक्चर पेस्ट कर दी, देन यहाँ आपने फैमिली मेम्बर्स के अपने फादर, मदर, अंकल, आंट, सबकी पिक्चर पेस्ट करके आपको उनके साथ आपका रिलेशन भी लिखना है। यहाँ पापा की, फादर की पिक्चर पेस्ट की तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर फादर साथ में, मदर की पिक्चर पेस्ट की तो आप क्या लिखेंगे, मदर, ओके? इस टाइप से आपको करना है। देन थर्ड एक्टिविटी है आपकी विजिट एन ऑर्फनेज। आपको एक ऑर्फनेज जाना है, वहां जाकर कुछ भी आइटम्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल आप उनके लिए बुक्स ले जा सकते हैं, या चॉकलेट्स ले जा सकते हैं, या पेन, पेंसिल, बिस्किट्स, कुछ भी जो आप ले जाना चाहें आप वो ले जा सकते हैं। वहाँ आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब आपको साथ में उनके साथ अपनी पिक्चर क्लिक करनी है, और वो पिक्चर का प्रिंट आउट निकलवा कर आपको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है, ओके? और लास्ट है आपकी मेक सम डेकोरेटिव टॉयज बाय यूजिंग क्ले एंड सैंड। आपको क्ले से यूज़ कर सकते हैं, आप सोयल मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं टॉयज बनाने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको टॉयज बनाएंगे, उनके आपकी चॉइस है, आप कोई भी टॉयज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं, आप
कोई भी टॉयज बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और उसको आपने बाद में जो है ड्राई करना है, दो दिन तक आपने उसको सुखाना है, फिर उनको कलर करके और उनको क्या करना है, डेकोरेट।